मेरे अपने वो जिधर नजर मारता अपनी नजर आ रहे सारे रंगमंच वाले फिल्मों वाले टीवी वाले सारे अपने और जो तो मैं इतने एक नजर मारता तो मैंने इंज लगता मैं पंजाबी रंगमंच के इतिहास के रूबरू हो रहा नीना टिवाणा भी बैठे हैं इस तो वाला इतिहास की हो खूबसूरत इतिहास ग्रेसफुल इतिहास और इन्हों वेखो तो तुम अस्थैटिक नजर आ जाएगा कि रंगमंच का अस्थैटिक की होंगे सो सलाम करना बनता इन्हों शख्सियतों इन्हों व्डिया जिन्हों दिरतों के उत्ते तुरते हुए जो सतीश जी मैं कह रहे थे तो केवल का जन्म चौंह का ये बड़ी वधिया गल है मेरा जन्म चौंह का बाद में चल भारत चवाड़ा होरी आते हैं एन एस टी तो त्रेठ से नीना जी आते हैं तो चौंह च मैं आ गया क्या लड़ी है देखो मैं वैसे भी चंगा लगता कि मैं हो दो साल सीनियर सिटीजन हो रहा है ना कि वधिया गल है ना तुम सीनियर हो रहे हो है रंगमंच की दुनिया चो पर दोस्तों आज जिस मकसद लिए असि इतने इकट्ठे हुए हैं वो मुबारक रंगमंच दिवस वास्ते और जो रंगमंच दिवस असि मना लगते हैं तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ ये दिन जिहड़ा साडे अहद लैण का दिन भी बन जाता है कि असी कल्लियां ताड़ियां मारन लई कल्ले जश्न मनाउण लई नहीं कि रंगमंच वास्ते जिंदगी वास्ते असी कुछ तो अहद लईए कुछ तो फिक्र साझे करिए ये दिन साडे फिकरां दा दिन है वो फिकर जिहड़े नोरा रिचर्ड ने फिकर समझ लए सीगे आई सी नंदा उन्हां फिकरां दे तुर पिया सी उन्हां फिकरां दी बाह हरपाल टिवाणा होरां ने पढ़ लई सी गुरशरण सिंह उन्हां नूं फिकरां नूं लै के पिंड पिंड तुर पए सीगे वो फिकर देखणी बहुत जरूरी है क्योंकि जदों असीं रंगमंच करदे ना एक बड़ी वारी गल करदे आ असीं स्टेज दे उत्ते हुंदे आ सामने दर्शक बैठे होंगे मैं बहुत बारी कहना हाँ कि जो असं नाटक करते हैं तो नाटक असं कल नहीं कर रहे होंगे साढ़े ना दर्शक भी कर रहे होंगे जो असं रोने दर्शक भी रोते हैं असं हसते हैं दर्शक भी हसते हैं सो साडा हिस्सा बन जाते साढ़े नाटक का हिस्सा बन जाते साड़ी जिंदगी का हिस्सा बन जाते बाद च आते हैं सब जंगियां पाते हैं मिलते हैं कई कहते ये तो साढ़े घर की कहानी से ये तो बहुत वाली कहानी से साढ़े आंढ़ गुआंढ़ की कहानी से सो रंगमंच जिहड़ा यह दिल का है ना कि इस दिल तो उस दिल तक जी नौक करता है ये रंगमंच ये फिकर होता रंगमंच कि रंगमंच ने करना की है ये फिकर ही नहीं कि जतेंद्र बराड़ सुदर्शन मैणीपुरी जा हंसा सिंह मुल्लापुर च मुंडे रायपुर च मुंडे ये निजी यतना के नाल अपने आडिटोरियम बनाते इन्हों किने कहा सी तुम आडिटोरियम बना लो कोई सरकार ने हेल्प नहीं की कुछ नहीं किया वो कि चीज़ है वो कि चीज़ अंदर धुखदी है साड़ी और जो धुखदा पिया वा मेरा ख्याल उन्होंने धुखण देिए ठंडिया ना मोड़ देिए जेकर वो सारा कुछ ठंडा हो जाता जो धुखदा है जो मगदा है जो चिणग है और वो धुखदा रहेगा तो शायद समाज बचा रहेगा मैं इसलिए बार बार कहना हूं कि जेकर सरकार ने भी कोई चंगी व्यवस्था सिरजनी है तो उन्होंने रंगमंच जरा उसकी सहायता करनी पड़ेगी जेकर रंगमंच उस तरह नहीं हो सकता रंगमंच असं करते हैं कि गल हो रही थी कि मंच कई बार खाली रह जाते हैं रंग है नहीं है कुछ यहोजी मैनू लगता है कि मैं क्योंकि जिनी मैं रिसर्च की जिन्ना मैं इतिहास लिखिया पंजाबी रंगमंच का साढ़े को लगभग 150 थिएटर ग्रुप है इस वे अमृतसर पंजाब 150 थिएटर ग्रुप अमृतसर कले च 40-42 थिएटर ग्रुप ने और तुसी जस्ट इमेजिन करो कि जेकर एक एक भी नाटक नवा तैयार होंगे एक साल च 150 नाटक नवा तो उन्होंने शो किन्ने हो मोगे में एक थिएटर ग्रुप है रेड लाइ रेड आर्ट्स वाले मुंडे है वो साल च अपने नुक्कड़ नाटक करते कभी इधर जाते कभी उधर वो 2000 के करीब शो कर रहे हैं यानी यह जड़े फिकर देखते पाए हैं कि जड़ा अपने स्तीश जी रंगमंच का संदेश सुना रहे थे उधर इच मैं भी जब उस कल बैठा अनुवाद कर रहे थे देख रहा थे तो उन्होंने बड़ी सोहनी एक होर गल कही वह कहिंदा जिथे अज असीं खड़े हैं ना
ਅਸੀਂ ਸਵੀਗੀ ਲੋਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਚੁਅਲ, ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਥੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਰੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਲਓ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸੁਪਨੇਹੀਣ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਈਏ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਈਏ, ਔਰ ਚੰਗੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100-150 ਘਰ ਸੜ ਗਏ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਰੰਗਮੰਚ ਉਹ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਲਈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਰੰਗਮੰਚ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਦਿਲਾਂ ਚ ਧੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਕਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਹਿਦ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਰੱਖੀਏ। ਰੰਗਮੰਚ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।